सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैक्सीन आजकल फुली ओपन है. पहला तो एक मैसेज मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ इस मीडियम के जरिए भी, वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाना चाहिए. इंडिया इज इन फॉर अ वेरी हॉरिबल सेकेंड वेव एंड इफ आई एम यू नो प्रिज्यूमिंग दिस इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक एनीथिंग. 1 लाख केसेस पर डे से ये 2 लाख केसेस पर डे के जोन में भी जा सकता है और जाने के चांसेस हैं बिकॉज सेकेंड वेव का इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल बहुत हाई है. तो इसलिए अभी भी पूरा केयर करते रहना पड़ेगा. हम बिल्कुल ये रिलैक्स नहीं हो सकते भी बीच में कम हुए थे केसेस या हमें वैक्सीन लग गया तो ये दोबारा नहीं होगा. इन माई विसिनिटी हमारे आसपास 3-4 पेशेंट हम देख चुके हैं जो दोनों वैक्सीन लगने के बाद फिर से कोविड हुआ. तो इसलिए जो वैक्सीन है वो भी 80% ही इम्यूनिटी देता है. सो अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के बावजूद कोविड जिनको हो सकता है. सो कुछ लोग हार्ट डिजीज से जो पहले से पीड़ित हैं जिनको एंटी कोएगुलेंट चल रहे हैं, एस्प्रिन और ब्लड पतला करने वाला दवा का हम बात नहीं कर रहे हैं, जिनको एस्प्रिन चल रहा है, जिनको ब्लड पतला करने का दवा चल रहा है, क्लोपिडोग्रेल, जिनके स्टेंट लग चुके हैं या बाईपास हो चुका है, उनके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. वो सीधा जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं. सिर्फ एक हल्का सा प्रिकॉशन लेने का बात है. जहां पे वैक्सीन लगेगा उसको माइल्ड प्रेशर 5 से 10 मिनट तक देके रखें. माइल्ड, बहुत तेज नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लीडिंग का चांस हो सकता है. एंटी कोएगुलेंट्स जो होते हैं वो जिनमें वैल्व रिप्लेस हो चुका है, जिनमें रिदम इरेगुलर है, उनको दिए जाते हैं. एसीट्रॉम या वॉरफरिन कंपाउंड्स कहते हैं इनको. जिनमें वो दवा चल रहा हो उनको थोड़ा ज्यादा एहतियात बरतने का जरूरत है. वैक्सीन छोड़ना उनको भी नहीं है, बट यस अगर अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं और वो दवा 2 या 3 दिन बंद करने के बाद लगवाएं तो ज्यादा बेहतर. सो प्राइमरली नो हार्ड कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर एनी सब ग्रुप ऑफ पेशेंट हुज ऑन मेडिसिन. बट जो एंटी कोएगुलेंट्स जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सेफ्टी के लिए अपना प्रिकॉशन ज्यादा लेना पड़ेगा.